अब आपको आवाज आ रही होगी। पहले तो मैं बोल ही नहीं रहा था, म्यूट किया हुआ था। हम लास्ट टाइम मटेरियल के एमसीक्यूज कर रहे थे। और हमने 84 नंबर एमसीक्यू तक कर लिया था। आज हम सबसे पहले इन एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल इन यूनिट्स टू अवॉइड इन्वेंट्री स्टॉक आउट। अब रीऑर्डर लेवल का फार्मूला जो है वो आपको पता है। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक। अब इस डाटा से हम ये चीजें ढूंढते हैं। एवरेज डेली यूजेज, मैक्सिमम डेली यूजेज, मिनिमम डेली यूजेज, लीड टाइम 10 to 15 डेज, रीऑर्डर क्वांटिटी इज 8,000 यूनिट्स। तो इस डाटा में हमें मैक्सिमम यूजेज मिल गया 520 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम इज 15 डेज, 10 to 15 है तो मैक्सिमम 15। 520 इंटू 15, 7,800 इसका आंसर आ जाएगा। प्लस बफर स्टॉक, बफर स्टॉक जो है वो तो इस सवाल में नहीं है, तो यही इसका फाइनल आंसर हुआ, 7,800 यूनिट्स। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला और सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि रीऑर्डर लेवल जो है वो मैक्सिमम यूजेज को मैक्सिमम लीड टाइम से मल्टीप्लाई करने से आता है। यूजेज पर डे दिया हुआ था, मैक्सिमम को हमने सेलेक्ट किया, लीड टाइम डेज में दिया हुआ था, हमने मैक्सिमम को सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, और प्लस बफर स्टॉक जो कि इस क्वेश्चन में नहीं था। अ लार्ज स्टोर सेलिंग ऑफिस फर्नीचर स्टॉक्स अ पॉपुलर चेयर फॉर विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एनुअल डिमांड 4,000 चेयर्स, मैक्सिमम इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री, लीड टाइम, री ऑर्डर क्वांटिटी, व्हाट इज द एवरेज इन्वेंट्री लेवल। अब आपको याद होगा कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता था ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। ऑर्डर साइज इज द रीऑर्डर क्वांटिटी, वो ये दिया हुआ है कि जब भी हम खरीदेंगे हम 100 चेयर्स खरीदेंगे प्लस बफर स्टॉक। बफर स्टॉक वो स्टॉक होता है जो ऑर्गेनाइजेशन ने हर वक्त मेंटेन करना है इन ऑर्डर टू मीट अनसर्टेन डिमांड्स। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उसने हमें एनुअल डिमांड दिया हुआ है, मैक्सिमम इन्वेंट्री दी हुई है, मिनिमम इन्वेंट्री दी हुई है। तो ये जो मिनिमम इन्वेंट्री है ये वो इन्वेंट्री है जो हर वक्त हमारे पास मौजूद होगी, क्योंकि मिनिमम का मतलब क्या है कि कम कम अज कम 20 चेयर होनी चाहिए। तो इट मींस ये 20 चेयर ही बफर स्टॉक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बफर स्टॉक जो है इसका दूसरा नाम जो है वो मिनिमम इन्वेंट्री भी हो सकता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 50 ये बन जाएगा, 50 प्लस 20, तो 70 चेयर्स जो हैं वो आपकी एवरेज इन्वेंट्री होगी। अच्छा, पिछले सवाल के साथ अगर मैं कंपैरिजन कराऊं तो कुछ लोग कहेंगे पिछले सवाल में भी तो ये मिनिमम था। ये जो मिनिमम है ये मिनिमम डेली यूजेज है, ये इन्वेंट्री नहीं है। यूजेज का मतलब है इस्तेमाल कितना होना है, और इन्वेंट्री का मतलब है हमारे पास पड़ा कितना हुआ है। तो ये 85 क्वेश्चन में जो मिनिमम था दिस वाज द यूजेज, मिनिमम डेली यूजेज, और ये जो क्वेश्चन नंबर 86 में है दिस इज मिनिमम इन्वेंट्री।
तो ये जी इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। व्हाट इज द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी यूज टू एस्टेब्लिश, कहता है जो ईबीक्यू मॉडल है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो चार ऑप्शंस हैं, ऑप्टिमम रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री, ऑप्टिमम क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड। जी मुझे इसका आंसर बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा 87 का। आपने ये ईबीक्यू मॉडल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जी डी ऑप्शन, शाबाश, ये ऑप्टिमम क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड है। कुछ लोग बी कह रहे हैं, वो रीऑर्डर लेवल वो और चीज है बेटा, रीऑर्डर लेवल और चीज है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं है। रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ईओक्यू होता है, ए ऑप्शन भी नहीं है। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री भी ये नहीं है, सो द राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। ठीक है, जिन लोगों ने गलत ऑप्शन दिया है वो बुक से एक दफा ईबीक्यू पढ़िएगा, उसके पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये मॉडल क्या बताता है, कहाँ यूज होता है। ओके जी, विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, कहता है, अब ये जरा स्टेटमेंट्स ध्यान से सुननी है। नंबर वन, पोटेंशियली आउट ऑफ डेट वैल्यूएशन ऑन इश्यूज। आउट ऑफ डेट वैल्यूएशन ऑन इश्यूज, हमें पता है कि जब हमने इस सिनेरियो को पढ़ा तो इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो डिस्कस किया था। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम हमेशा इन्फ्लेशन सपोज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में वो कहे कि प्राइसेस कम हो रही हैं तो फिर वो खुद बताएगा, अदरवाइज हमने इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो लेना है। इन्फ्लेशन में होता ये था कि हमने जो फर्स्ट को चीजें बाय की हैं वो जो भी रेट था, सपोज कर रहे हैं एट द रेट 2, उसके बाद हमने फिफ्थ को सपोज करते हैं परचेजेस की हैं तो उसका रेट 2 के अलावा कुछ होगा, 2 से ज्यादा होगा, 3 होगा, इसी तरह इसके बाद जब खरीदेंगे तो उसका रेट हो सकता है 5 हो जाए। तो अब जो पहली ऑप्शन है, पोटेंशियली आउट ऑफ डेट वैल्यूएशन ऑन इश्यूज, इश्यूज का मतलब है जब हम चीजें बेचेंगे तो किस वैल्यूएशन में आउट ऑफ डेट वैल्यूएशन आएगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में या लास्ट इन फर्स्ट आउट में। लास्ट इन फर्स्ट आउट में होगा क्या कि हम आखिर पे जो खरीदा होगा ना पहले उसे बेचेंगे, इसका मतलब है ये तो मोस्ट रिसेंट इश्यूज आएगा, मोस्ट रिसेंट प्राइसेस। तो सबसे पुरानी जो प्राइसेस जिसमें आएंगी वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। सो दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पोटेंशियली आउट ऑफ डेट वैल्यूएशन, यानी जो सबसे पुरानी प्राइस है वो इश्यूज के अंदर किस मेथड में रिफ्लेक्ट होगी, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम सबसे पहले इस 2 वाली चीज को बेच रहे होंगे। द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री रेयरली रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ द मटीरियल, कहते हैं जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है वो रिफ्लेक्ट करेगी एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल, यानी किस मेथड में जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करेगी। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में मोस्ट रीसेंट होगा, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं वो सेल कर चुके होंगे, वो इशू में चली गई, और जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है उसमें मोस्ट रीसेंट इश्यूज में चली जाएंगी। जी आवाज ठीक नहीं आ रही। हेलो, आवाज आपको ठीक आ रही है? जी अब उम्मीद है ठीक होगी। द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कहता है रेयरली रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल, कहता है किस में
वो एक्चुअल प्राइस को जो है वो शो नहीं कराए, रेयरली रिफ्लेक्ट करेगा, यानी बहुत कम चांसेस हैं कि वो ऐसा करे। तो क्या ख्याल है इसका, क्या आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, कुछ लोग मुझे चैट में मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग क्वेश्चन आंसर में, तो मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि आप मुझे क्वेश्चन आंसर में रिप्लाई करें, चैट में ना करें, क्योंकि मुझे दो दो चीजें एट ए टाइम पे देखना पड़ रही हैं। तो आप लोग मुझे क्यू एंड ए में जाके सारे लोग रिप्लाई करें, ये चैट को छोड़ दें। जी, एवको मेथड सही है। एवको मेथड में एवरेज होगा ना, तो ये मोस्ट जो है वो कहते हैं कि रेयरली रिफ्लेक्ट करेगा एक्चुअल प्राइस को। सो द राइट आंसर इज द एवको मेथड। ठीक है जी, शाबाश। पोटेंशियली आउट ऑफ डेट क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कहता है किस मेथड में इन्वेंट्री वैल्यूएशन आउट ऑफ डेट आएगी, तो इसका क्या आंसर है, इसका गैस करें। क्लोजिंग इन्वेंट्री आउट ऑफ डेट किस में बनेगी? देखें, जो लाइफो मेथड है ना, उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपका जो आंसर बनेगा वो आउट ऑफ डेट ही है, सही है। और जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, उसमें इन्वेंट्री में वो बच जाएगा जो आखिर पे खरीदा है, तो आउट ऑफ डेट वैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल सही है, वो लाइफो में बनेगा, क्योंकि लाइफो में आखिर वाली चीजें पहले बिक जाएंगी, पुरानी से पुरानी चीजें इन्वेंट्री में पड़ी रहेंगी। आप सवाल एक आपको करवाया था जिसमें लाइफो से भी किया था, एवको से भी, तो अगर आप उसको सामने रखें तो आप देखेंगे कि लाइफो में सबसे पुरानी चीजें इन्वेंट्री के अंदर अभी भी मौजूद है, तो ये सही है, आउट ऑफ डेट इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो लाइफो में होगी। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। दिस इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इज पर्टिकुलरली सूटेड टू द इन्वेंट्री दैट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल ऑयल। जी, ऑयल के लिए कौन सी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड यूज होना चाहिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एवको? जी, इसका भी आंसर बताइए। जी, ऑयल कंपनी जो है वो किस मेथड को लेके चल रहे हैं? वो एवको को लेके चलती हैं जी, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। आप देखिए, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कम होती हैं, तो हमारे यहाँ वो उसी महीने में कम नहीं हो जाती, या जितनी इंटरनेशनल मार्केट में कमी आती है प्राइस में, उतनी कमी हमारे यहाँ नहीं होती। तो जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो एवरेज कॉस्टिंग को यूज कर रहे हैं कि हमारे पास पहले स्टॉक कितना पड़ा था, अब नया कितने पे खरीदा है, उनका एवरेज रेट ले रहे हैं। तो जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, दे आर यूजिंग द एवरेज कॉस्टिंग। जैसे अभी लास्ट मंथ में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो काफी लो चली गई, तो हमारे यहाँ तो उतना उतना रेट नहीं कम हुआ, रेट कम हुआ लेकिन उतना नहीं कम हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ऑयल अभी फिजिकली बहुत महीनों के बाद आना है जो हमने सस्ते वाला खरीदना है, तो हम हमारी जैसे ही पुराने स्टॉक के अंदर हमारी परचेजेस ऐड होती हैं, तो जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको एवरेज कॉस्टिंग सूट करता है, ना कि लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा जी, दिस इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इज पर्टिकुलरली सूटेड टू द इन्वेंट्री दैट हैज अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स। कहता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे योगर्ट हो गया, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, तो उनको कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड सूट करता है? जी बताइए कौन सा होगा।
जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, क्योंकि पहले जो आया हुआ है पहले उसे बेचा जाता है, वरना चीजें एक्सपायर हो जाएंगी। शॉर्ट शेल्फ लाइफ जो है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्स है, ब्रेड है, तो ये सारी चीजें जो है ये पहले जो आई होती हैं पहले वो सेल होती हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड इन्हें सूट करता है। दिस इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इज सूटेड टू द वीट फार्मर हु हैज लार्ज सिलोज ऑफ ग्रेन। ग्रेन इज एडेड टू एंड टेकन फ्रॉम द टॉप ऑफ दी सिलोज। जी तो इसका क्या ख्याल है, वीट में कौन सा सूट करेगा? जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस दिस मेथड विल गिव द हायर प्रॉफिट। अच्छा जी, किस मेथड में हायर प्रॉफिट आएगा? अब आपको मैंने वो बताया हुआ है कि आपको कैसे पता चलेगा, आपने तीन चीजें देखनी होती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेंट्री और प्रॉफिट, और आपके मेथड तीन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवको और लास्ट इन फर्स्ट आउट। और हमने कौन सा सिनेरियो कहना है, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, यानी जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट ऑफ सेल लो आएगी तो इसमें हाई आएगी, जब कॉस्ट ऑफ सेल लो है तो इन्वेंट्री हाई आएगी, और इसी तरह जब कॉस्ट ऑफ सेल लो है तो प्रॉफिट हाई आएगा, और यहाँ पे फिर प्रॉफिट और इन्वेंट्री लो होंगे। तो अब हमने बताना था कि किस मेथड में प्रॉफिट सबसे हाई आएगा जब कीमतें बढ़ रही हैं। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस दिस मेथड विल गिव द हायर प्रॉफिट, सो द हाईएस्ट प्रॉफिट इज अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। तो अगर आपको ये टेबल बनाना आता है तो आप इस तरह के सवालों को कभी गलत नहीं करेंगे। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस दिस मेथड विल गिव द लोअर प्रॉफिट, सबसे कम प्रॉफिट किस में आएगा? तो वो जो है वो हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो मेथड होगा। जी तो सबसे कम प्रॉफिट जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट में आएगा। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस दिस मेथड गिव्स अ मिडल लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो मिडल लेवल हमें पता है कि हमेशा एवको में होता है, तो मिडल लेवल जो है वो एवको में होगा। ये हमें पता है कि हाई और लो के दरमियान में मिडल लेवल जो है वो एवको मेथड में आता है। इश्यूज आर वैल्यूड एट द मोस्ट रिसेंट परचेज कॉस्ट। तो मोस्ट रिसेंट जो है, ये टिक जरा आगे पीछे हो गया, तो जो मोस्ट रिसेंट है उसमें लोअर प्रॉफिट्स वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट करना था जी, लाइफो। तो लोअर प्रॉफिट लाइफो में टिक हुआ और मिडल जो है वो एवको में टिक हुआ। जी अब अगला, अगली स्टेटमेंट है, इश्यूज आर वैल्यूड एट द मोस्ट रिसेंट परचेज कॉस्ट। तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट में होता है कि जो अभी खरीदा है उसे अभी हम बेच रहे होंगे। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेजेस। तो एवरेज जो है वो एवको पे होता है, एवको पे एवरेज आता है, वो तो हमें नाम से ही पता चल गया। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द मोस्ट रिसेंट परचेज कॉस्ट। अब वो किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री कहता है मोस्ट रिसेंट परचेज कॉस्ट, तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में होगा। वजह क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपने पहले जो खरीदा है वो पहले बेच दिया है, पर आपके पास बचा क्या होगा जो आपने आखिर पे खरीदा है। तो मोस्ट रिसेंट इन्वेंट्री पूछे तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, और मोस्ट रिसेंट इशू पूछे तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो ये था जी, ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको एक दफा दोबारा आप कर लीजिएगा तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 89 EBQ व्हाट इज द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी. तो फार्मूला आपको पता है 2COD डिवाइडेड बाय CH इनटू 1 माइनस D ओवर R अंडर स्क्वायर रूट. डेटा दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करनी है. A company manufactures a product in batches and then holds the item produced in finished goods inventory until they are sold. It is capable of replenishing the product at the rate of 100,000 units per year. But the annual sales demand is just 40,000. Yani salana jo hai wo 1,00,000 production kar raha hai, lekin jo uski demand hai wo 40,000 hai. The cost of setting up the batch of production is 1500. तो ये CEO बन गया, cost per setup. And the cost of holding one unit of the product is $25 per year. तो इसको करते हैं जी, 2 multiplied by 1500 multiplied by annual demand 40,000 divided by CH 25 into 1 minus 40,000 divided by annual production 100,000. इसको सॉल्व कर लें और मुझे आंसर बता दें जी. EBQ का इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जो है कितने यूनिट्स होगी इसका. कैलकुलेटर से सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिएगा. जी शाबाश, 2828 बता रहे हैं आप, 2828 बी ऑप्शन. तो ये था जी EBQ की कैलकुलेशन. क्वेश्चन नंबर 90, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री. होल्डिंग कॉस्ट जो CH होता है, होल्डिंग कॉस्ट कहता है, उनमें से कौन सी दो चीजें उनमें शामिल होती हैं. कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, बिल्कुल सही है, अगर हमने इन्वेंट्री रखी हुई है तो हमने उसकी इंश्योरेंस कराई होती है, तो ये ए ऑप्शन तो होगा. डिलीवरी कॉस्ट, नहीं ये तो चीजें आने के हवाले से हैं, ये होल्डिंग कॉस्ट का नहीं होता पार्ट. रेंटल पेमेंट और स्टोरेज पेज, बिल्कुल सही है, जो जिस जगह पे हम स्टोर कर रहे हैं उसका जो रेंट है वो रेंटल कॉस्ट आएगी. और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये तो CEO होता है. सो द राइट आंसर इज A and C. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और अगर किसी को कुछ याद नहीं है तो वो चैप्टर के अंदर होल्डिंग कॉस्ट की जो थ्योरी लिखी हुई है उसे एक दफा पढ़ ले, उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 91. अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस 25,000 कंपोनेंट्स एट एन इवन रेट ड्यूरिंग द ईयर. ईच ऑर्डर प्लेस्ड विद द सप्लायर of the component is for 2000 components, which is the EOQ. EOQ उसने दिया हुआ है. The company holds a buffer inventory of 500 components. What is the annual holding cost? अब हमें पता है कि जो annual holding cost होती है वो किसके equal होती है. उसका formula है CH into average inventory. जो CH है वो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वन कंपोनेंट को होल्ड करने की कॉस्ट $2 है. एवरेज इन्वेंट्री हमें पता है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो ऑर्डर साइज EOQ है डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक. अब क्वेश्चन में यहां कहीं मुझे बफर स्टॉक का वर्ड नजर आया था. द कंपनी होल्ड्स अ बफर इन्वेंट्री ऑफ 500 कंपोनेंट्स प्लस 500. तो इसको सॉल्व करना है, 2 × 1000 प्लस 500 तो 1500 हो जाएगा. 1500 इंटू 2 3000. दिस विल बी द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट. सी आंसर. क्वेश्चन
Question number 92. The purchase price of an inventory item is 42 per unit. In each 3 month period, the usage of the item is 2000 units. The annual holding cost associated with one unit is 5% of its purchase price. The EOQ is 185. What is the cost of placing an order to the two decimal place? अच्छा, इस सवाल को आपने बड़े ध्यान से समझना है. देखें, EOQ हमें दे दिया हुआ है और हमें पता है EOQ होता है 2 into CO into D divided by CH under square root. EOQ का आंसर 185 है और हमसे कहा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर CO बताना है. एनुअल डिमांड, अब देखें यहां पे ट्रिक है. कहता है इन ईच 3 month पीरियड द यूजेज ऑफ एन आइटम इज 2000 यूनिट्स. ये 3 माह का यूजेज है तो साल का कितना होगा? मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि एनुअल यूजेज कितना बनेगा. अगर 3 महीनों का यूजेज 2000 है तो एनुअल यूजेज कितना बनेगा? जी शाबाश, 8000. कैसे पता चला? 2000 था 3 माह का यूजेज, तो 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दिया, तो ये 8000 आ जाएगा. तो ये ट्रिक था जी इस सवाल में. अगर आपने ये 3 मंथ वाले वर्ड को एनुअल समझ लिया तो आपने इसे 2000 लिख देना है यहाँ पे, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा. तो आपने क्वेश्चन देख लेना है कि ये यूजेज कितनी देर का बताया हुआ है, 3 मंथ का या साल का. तो 3 से डिवाइड किया और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पर मंथ बना इतना पोर्शन, 1 माह में इतना यूजेज, तो साल में 12 महीने होते हैं. जरा दे दी डिवाइडेड बाय CH, 5% ऑफ परचेज प्राइस. परचेज प्राइस कितनी थी? 42. तो 42 का 5% ले लें, 2.1 बना. अब इसे सॉल्व करना है. अब इस तरफ स्क्वेयर रूट है. अब इस स्क्वेयर रूट को खत्म करना है तो हमें पता है, मैथ में पढ़ा था कि स्क्वेयर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयर ले लो. तो इस चीज का स्क्वेयर ले लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय CO इनटू 8000 डिवाइडेड बाय 2.1 और स्क्वेयर. तो 185 का जो स्क्वेयर होगा वो बनेगा 34225. और इधर स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो गया तो ये बचा 16000 इनटू CO डिवाइडेड बाय 2.1. तो जो CO आएगा वो क्या होगा? 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 34225 डिवाइडेड बाय 16000 विल बी इक्वल टू CO, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर. इसको सॉल्व कर लें तो CO का आंसर आ गया $4.492. अब हमने इसका जो आंसर बताना है वो क्या बताना है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर टू अ टू डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक बताना है. तो हम आंसर इसका लिखेंगे $4.49. अगर आपने 4.492 लिख दिया तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, 4.4 लिख दिया तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, 4.50 लिख दिया तो भी नंबर नहीं मिलेंगे. तो राउंडिंग वहां करनी है जहां पे प्रॉपर राउंडिंग है और डेसिमल के बाद उतने पॉइंट्स एंटर करने हैं जितने मेंशन है. मैंने आपसे एक टेस्ट भी लिया था, उसमें भी मैंने यही ट्रिक यूज किया था कि जो चीज कही जाती है सिर्फ उतना आंसर लिखें. तो उसने लिखा हुआ है कि आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक बताएं. तो अब देखें ये एक ऐसा सवाल था जिसके अंदर EOQ उसने खुद से दे दिया था, तो ये सवाल ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर सकते थे. लेकिन जो 2 कन्फ्यूजन्स आती हैं वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इस सवाल में. एक तो डी एनुअल डिमांड, वो एनुअल डिमांड बनानी है, और फिर ये स्क्वेयर रूट को कैसे खत्म करना है. तो स्क्वेयर रूट में को खत्म करने के लिए हमें स्क्वेयर लेना पड़ता है दोनों साइड्स का, तो वो दोनों साइड्स का स्क्वेयर लिया तो वो स्क्वेयर रूट खत्म हो गया और फिर ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लिया. जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा.
क्वेश्चन नंबर 93, ये उसी तरह का सवाल है, ये अब आप खुद करेंगे, ट्रू और फॉल्स है, वही तीन इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड्स के मुताबिक, तो ये आप अपने खुद करना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अप्लाइज टू क्वेश्चन नंबर 94, 95 एंड 96। Point uses the EOQ model to establish the reorder quantity for raw material Y. The company holds no buffer inventory. Information relates to raw material Y is as follows: annual usage, purchase price, ordering cost, holding cost. What is the EOQ? तो सबसे पहले तो EOQ find करना है. Two multiplied by CO. मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइडेड बाय सी एच अंडर स्क्वेयर रूट। टू मल्टीप्लाइड बाय सीओ 120 मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइडेड बाय सी एच होल्डिंग कॉस्ट 10% ऑफ परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस 80 है, तो 10% ऑफ 80 विल बी 8। इसको सॉल्व करके EOQ बना लो। तो ये EOQ का आंसर आ गया, सी ऑप्शन। 95 में क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ऑर्डरिंग और होल्डिंग। तो एनुअल कॉस्ट बतानी है, एनुअल परचेजिंग कॉस्ट, ये हमने पहले बहुत दफा किया हुआ है। इसका फॉर्मूला है, एक यूनिट कितने का है, तो 42 का है, सॉरी 80 का है, और एनुअली कितना खरीदना है, 48,000। तो एनुअल कॉस्ट बन जाएगी 3840000। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एक यूनिट को होल्ड करने पे कितना खर्चा आता है, सी एच 8 इंटू एवरेज इन्वेंट्री, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज इज ईओक्यू प्लस बफर स्टॉक। क्या क्वेश्चन के अंदर बफर स्टॉक है, द कंपनी होल्ड्स नो बफर इन्वेंट्री, तो ये कितना हो जाएगा, 600 इंटू 8, 4800 ये हो गया। एनुअल होल्डिंग हो गई, तो उसके बाद आ गया एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। वैसे तो हमें पता है कि ईओक्यू पे आंसर दोनों का बराबर होता है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं, कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर निकलेंगे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज, एनुअल डिमांड इज 48,000, ऑर्डर साइज इज 12, तो 40 ऑर्डर बनेंगे इंटू 120, तो 4800 ये हो गया। और इन तीनों का सम जो है वो टोटल कॉस्ट बन गई, तो ये बना जी 3849600। तो ये कोई ऑप्शन है तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ई ऑप्शन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 94 और 95, ये हमने दो सवाल कर लिए इसके। सप्लायर हैज ऑफर्ड पॉइंट अ डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द परचेज प्राइस। कहता है सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दे दिया 1% का, कब डिस्काउंट दिया, इफ ईच ऑर्डर प्लेस्ड फॉर 2000 यूनिट्स। अब देखें हमारा ऑर्डर साइज आया 1200, हम जब भी खरीदेंगे 1200 यूनिट खरीदेंगे,
और उसने हमें एक लालच दिया है कि अगर आप 2000 यूनिट खरीदें तो मैं आपको 1% डिस्काउंट दूंगा। तो ये मैंने आपको तरीका इसका सिखाया हुआ है। अगर ये हमें डिस्काउंट देगा तो हमारी एनुअल परचेजिंग कॉस्ट क्या होगी? हमारा एक यूनिट करंटली 80 का था, 1% उसने डिस्काउंट दे दिया तो हमने 99% पे करना है। 1% डिस्काउंट मिल गया तो हमें 99% पे करना है, और हमने एनुअली कितना खरीदना है? 48,000 यूनिट्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बना 79.2 इंटू 48,000 यूनिट्स, तो ये बना जी 380,1600। इतनी कॉस्ट आई आपकी एनुअल परचेजिंग कॉस्ट। देन एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर जो के है 120 शायद, जी बिल्कुल 120 है, कॉस्ट पर ऑर्डर इज 120 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। नाउ द ऑर्डर साइज विल बी 2000 यूनिट्स, तो 48,000 को 2000 से डिवाइड किया, 24 ऑर्डर्स हुए इंटू 120, तो ये बना $2880। तो ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। अब एनुअल परचेजिंग कॉस्ट, सॉरी परचेजिंग नहीं, होल्डिंग कॉस्ट। परचेजिंग तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, होल्डिंग कॉस्ट जो है वो सीएच होता है। अच्छा, सीएच के बारे में ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है होल्डिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ परचेज प्राइस। अब बात गौर से सुनिएगा, अब जब डिस्काउंट मिला तो परचेज प्राइस चेंज हुई, 79.2 हुई। अब ये 10% भी 79.2 का होगा इनटू एवरेज इन्वेंट्री, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। तो 79.2 का 10% लेंगे तो वो बनेगा 7.92 इनटू 1000 हुआ, तो 7920 आ। अब टोटल कॉस्ट कितनी बनी? टोटल कॉस्ट विल बी द सम ऑफ 380,1600 प्लस 2880 प्लस 7920। इन तीनों कॉस्ट का टोटल कर लें। तो ये बना जी 3812400। अब हमें ये फैसला करना है कि डिस्काउंट लेना है या नहीं लेना है। अगर हम लास्ट क्वेश्चन पे जाएं तो हमारी कॉस्ट आई थी, टोटल कॉस्ट 3849, और हमारी जो नई कॉस्ट आई है वो आई है 3812400। इसका मतलब है हमारी सेविंग्स हो रही हैं। तो सेविंग्स देखते हैं कितनी हो रही है। हमारी प्रीवियस कॉस्ट थी 3849600, उसमें से ये लेस कर दें, कितने डॉलर की बचत हुई? अगर सेविंग्स हो गई हैं तो हमें इस डिस्काउंट को ले लेना चाहिए। अब हमने बताना क्या था, व्हाट इज द एनुअल सेविंग्स? तो एनुअल सेविंग्स हमारी आई है 37,200। तो ये देखें, ये 37,200 की ऑप्शन है, ये राइट आंसर है। आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें। हमने एनुअल परचेजिंग कॉस्ट कैलकुलेट की रिवाइज्ड रेट पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की, और फिर होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट की। होल्डिंग कॉस्ट में मैंने एक पॉइंट बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन में होल्डिंग कॉस्ट 10% ऑफ परचेज प्राइस है, तो जैसे ही परचेज प्राइस चेंज होगी तो होल्डिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। और फिर इन तीनों को ऐड किया तो वो हमारी रिवाइज्ड कॉस्ट आ गई, और फिर रिवाइज्ड कॉस्ट और ओल्ड कॉस्ट का डिफरेंस लिया, तो अगर ओल्ड कॉस्ट ज्यादा है, रिवाइज्ड कॉस्ट थोड़ी है, तो सेविंग्स हो गई, और अगर रिवाइज्ड कॉस्ट बढ़ गई तो फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो ये 37,200 की सेविंग्स हुई।
दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 आप खुद करेंगे क्योंकि इसमें भी वो सेविंग्स निकालनी है, तो ये यही सवाल है, इसी का रिपीट क्वेश्चन है। 98, व्हाट इज द प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट पर बैच। इसमें ईबीक्यू दे दिया है और सीओ फाइंड करना है, तो ये सीओ वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी करवाया लास्ट पेज पे, जहां पे स्क्वेयर रूट खत्म करने के लिए स्क्वेयर लिया था। तो ये 98 उसी का कॉपी क्वेश्चन है, 97, 98 आप खुद से करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर सेल्स डॉक्यूमेंट। हमने सेल्स करनी है तो कहता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कौन सा होगा, जी बताइए कौन सा सीक्वेंस है। ये परचेज साइकिल आपको मैंने पढ़ाया था ना कि कौन सा स्टेप पहले आता है, कौन सा स्टेप बाद में आता है। जी आंसर बताइए 99 का। जी मैं आंसर देख रहा हूँ, ए आंसर आ रहा है, कुछ लोगों ने वैसे डिफरेंट आंसर भी बताया है। सबसे पहले इंक्वायरी आती है कि आपके पास ये चीज है, ठीक है इंक्वायरी आ गई, फिर ऑर्डर आता है, फिर इनवाइस और फिर पेमेंट। वैसे तो चीजें जाती हैं लेकिन डिलीवरी ऑफ गुड्स किसी में भी लिखा नहीं हुआ, तो ऑर्डर के बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, फिर इनवाइस होती है, फिर पेमेंट होता है, तो ए ऑप्शन सही लग रही है अभी तक। बी ऑप्शन कहती है पहले ऑर्डर आता है फिर इंक्वायरी आती है, तो ये तो सिरे से ही गलत हो गया, इंक्वायरी हमेशा पहले आती है ऑर्डर से, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कहता है इंक्वायरी है, ऑर्डर है, पेमेंट है और इनवाइस है, तो ये यहां से जाके गलत हो गया, पेमेंट हमेशा इनवाइस के बाद होती है, तो सी भी गलत हो गया। और डी तो है ही गलत, काफी चीजें गलत है, कहता है इंक्वायरी के बाद इनवाइस आती है, तो जिन्होंने रॉन्ग ऑप्शन भेजा बेटा अब जरा अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें कि कौन सा काम पहले होता था। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब है कि वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, तो ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कहलाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सो द राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। जी 100 का भी बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 100 का, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अ परचेज डॉक्यूमेंट। पढ़ के आंसर बताना है स्कूल से। अब अगेन अभी गलतियां आप कर रहे हैं, चले मैं डिस्कस करता हूं। पर ए ऑप्शन कहता है जी परचेज ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद इनवाइस आती है, फिर गुड्स रिसीव्ड नोट है, ऐसा नहीं होता, पहले चीजें आती हैं, फिर गुड्स रिसीव्ड नोट बनता है, फिर इनवाइस आती है, ये ए तो गलत हो गया। बी ऑप्शन कहता है पहले डिलीवरी नोट है, फिर गुड्स रिसीव नोट है, फिर परचेज ऑर्डर है, फिर इनवाइस है, नहीं ऐसे कैसे हो गया कि डिलीवरी पहले होगी और परचेज ऑर्डर बाद में हुआ, ये गलत है। परचेज ऑर्डर, डिलीवरी नोट, गुड्स रिसीव नोट, इनवाइस, हाँ ये सही लग रहा है कि परचेज ऑर्डर प्लेस हुआ, फिर डिलीवरी नोट आया यानी चीजें आई, फिर GRN बना, फिर इनवाइस आई, ये ठीक लग रहा है। लेकिन डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, गुड्स रिसीव नोट डिलीवरी, नहीं ये गलत हो गया सीक्वेंस, पहले डिलीवरी होती है गुड्स की, फिर GRN बनता है,
तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने सी बताया उनके लिए शाबाश, और जिन्होंने नहीं बताया उनके लिए भी शाबाश कि वो अब पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर क्या होता है ये भी आप मुझे पढ़ के बताएं जरा, बाद में मैं डिस्कस करूंगा, पहले आप पढ़ें स्कूल से कि परचेज ऑर्डर आप क्या समझते हैं, ए ऑप्शन होता है, बी ऑप्शन होता है, सी या डी। अच्छा, हमने जब पढ़ा था, रिकॉल कर लेते हैं, परचेज ऑर्डर कौन बनाता था, किसे भेजता था, परचेज साइकिल एक डायग्राम बनाई थी मैंने, परचेजिंग डिपार्टमेंट बनाता है, सप्लायर को भेजता है और कहता है मुझे चीजें चाहिए, तो इशूड बाय परचेजिंग डिपार्टमेंट सेंड टू सप्लायर रिक्वेस्टिंग मटेरियल्स, ये सही लग रहा है, बाकी भी देख लेते हैं। इशूड बाय स्टोर डिपार्टमेंट सेंड टू परचेजिंग, अच्छा कहता जी स्टोर वाला बनाता है, परचेजिंग को भेजता है, वो तो परचेज रेक्विजिशन होती है, ये जो बी ऑप्शन है दिस इज फॉर परचेज रेक्विजिशन, कि स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है, स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है, परचेजिंग को भेजता है, वो तो परचेज रेक्विजिशन होती है, तो परचेज ऑर्डर तो नहीं है। रिसीव टुगेदर विद मटेरियल्स एंड कंपेयर टू द मटेरियल रिसीव्ड, वो तो डिलीवरी नोट होता है, ये जो स्टेटमेंट है ये डिलीवरी नोट है जो मटेरियल के साथ आती है, और फिर हम उसे कंपेयर करते हैं कि इस पे जो लिखा है क्या वही चीजें, तो ये भी परचेज ऑर्डर नहीं है, ये तो डिलीवरी नोट को शो कर रहा है। इशूड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेंड टू स्टोर रिक्वेस्टिंग मटीरियल, तो ये तो मटीरियल रिक्विजिशन होती है, MR, प्रोडक्शन वाले को जब भी मटीरियल चाहिए होता है तो वो स्टोर को भेजता है एक डॉक्यूमेंट, उसे मटीरियल रिक्विजिशन कहते हैं, सो द राइट आंसर इज द ए। तो यहाँ भी कुछ लोगों ने सही ऑप्शन भेजा है, कुछ ने गलत भेजा है, जिन्होंने गलत भेजा है वो अपने कॉन्सेप्ट को बेटा ठीक कर लें, देखें आपसे कोई रटा रटाया आंसर नहीं पूछा जा रहा, आपसे एक अंडरस्टैंडिंग पूछी जा रही है कि परचेज ऑर्डर क्या होता है, नोट नहीं लिखवा रहे कि व्हाट इज परचेज ऑर्डर, राइट अ नोट, इस तरह का सवाल नहीं आता आपको, आपको सिर्फ हर डॉक्यूमेंट की अंडरस्टैंडिंग आती है, मैंने आपको काफी डिटेल से बताया भी था, फिर इनके फॉर्मेट भी आपको दिखाए थे, बुक के अंदर चैप्टर में ये सारी चीजें मौजूद है, उनको एक दफा देख लीजिएगा। 102, Which two of the following statement describes the information of a goods received note provides? हमें दो options बतानी है जो के related हैं GRN से related, यानी GRN क्या बताता है, A option, B, C, D. Information used to update the inventory, ये तो बात ठीक है कि इसके अंदर वो information होती है जिससे हम inventory को update करते हैं। इन्फॉर्मेशन टू चेक दैट द करेक्ट प्राइस हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द सप्लायर इनवॉइस, इनवॉइस के साथ मैचिंग भी इसकी होती है, बिल्कुल सही है, क्वांटिटी के साथ भी मेंशन किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन टू रिकॉर्ड एनी अनयूज्ड मटेरियल्स विच आर रिटर्न टू स्टोर, ये तो ऑप्शन सरासर गलत है। अब हमें तीन ऑप्शन ठीक लग रही है, ए बी, बी बी, सी बी, अब हमें इनमें से दो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करनी है। तो जब हमने GRN पढ़ा था तो हमने कहा था जब चीजें आती हैं हम देखते हैं कि कौन सी आइटम्स अच्छी हैं कौन सी बुरी हैं, हम उनको अलग-अलग कर लेते हैं गुड गुड यूनिट्स को
और लिख लेते हैं इतने गुड यूनिट्स थे। फिर हमने कहा था कि इनवाइस आती है, इनवाइस में हम कंपेयर करते हैं कि कितनी क्वांटिटी आई है और क्या रेट है। तो अब हमें इनमें से दो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है, तो क्या ख्याल है कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए? मुझे बताइए कि मुझे ए बी, ए सी या बी सी, कौन सी दो ऑप्शंस इसको बतानी चाहिए जो ये राइट आंसर माने। जी बी और सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। वजह क्या है कि एक में प्राइस मेंशन है और एक जो है वो आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी और प्राइस दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं इनवाइस के साथ मैच करने के लिए। और जहां तक वो अपडेट वाले का चक्कर है, गुड्स रिसीव नोट से भी अपडेट होता है और आपको पता है मटेरियल रिटर्न नोट से भी अपडेट होता है इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो है। तो बी एंड सी जो है वो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। When charging direct material cost for a job or a process, the details would be taken from which documents? कहते हैं जब भी किसी काम को मटीरियल की कॉस्ट चार्ज की जाती है या प्रोसेस को, जॉब और प्रोसेस किसी भी इन्वायरमेंट में। अब जॉब क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इस पर हमने पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है। जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, वो आगे जाके सिलेबस में आएगा। अभी आप ये समझ लें कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उस मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल की कॉस्ट ऐड करनी है, तो कहां से देख के हम लिखेंगे कि मटेरियल की क्या कॉस्ट है। व्हेन चार्जिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टू अ जॉब और अ प्रोसेस द डिटेल्स वुड बी टेकन फ्रॉम विच डॉक्यूमेंट्स। जब भी हमें मटेरियल चाहिए होता है ना, हम मटेरियल रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि मुझे इस काम के लिए इतना मटेरियल चाहिए, तो हम मटेरियल रिक्वायरमेंट से देखेंगे कि हमें कितना मटेरियल हमने मंगवाया था स्टोर से। जो परचेज रिक्वायरमेंट है ये खरीदने के लिए होता है, गुड्स रिसीव नोट जब चीजें आती हैं उसके लिए, और परचेज ऑर्डर खरीदारी के लिए। तो जब भी हमने किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो उसकी डिटेल जो है वो मटेरियल रिक्वायरमेंट में होगी, क्योंकि मटेरियल रिक्वायरमेंट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेंट टू स्टोर फॉर इशू ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बना के स्टोर को भेजा कि मुझे इतना चाहिए, इस काम के लिए चाहिए। तो फॉर दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग ये बी ऑप्शन जो है वहां से हम देखेंगे। विच टू ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर मैच्ड विद द गुड्स रिसीव नोट इन बाइंग प्रोसेस। हमने पढ़ा था कि गुड्स रिसीव नोट जो बनता है उसको हम मैच करते हैं किसके साथ, इनवाइस के साथ, ठीक है, परचेज ऑर्डर के साथ भी, बिल्कुल सही है, ये ए और बी आंसर होगा, इनके साथ मैच करते हैं। परचेज रिक्वायरमेंट के साथ या स्टोर रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं किया जाता, ये इररिलेवेंट ऑप्शन है। जो गुड्स रिसीव नोट है उसे इनवाइस के साथ मैच करते हैं, और ऑर्डर के साथ इसलिए मैच करते हैं कि जो हमने भेजा था वही आया है, कहीं कुछ और तो नहीं आ गया। तो ए एंड बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा 104 का। Which of the following relates to management of raw materials? Which of the above would result from introduction of a buffer stock? अब ये जरा statement ध्यान से देखिएगा। कहते हैं which of the above would result from the introduction of a buffer stock? यानी मेरे पास अगर buffer inventory आए, introduction का मतलब क्या होता है? Add होना। तो अगर buffer stock आता है तो क्या होगा? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द इन्वेंट्री इंक्रीज। नहीं, हमने पढ़ा था कि जो सी एच है ना वो पर यूनिट में कॉन्स्टेंट होती है, तो पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, टोटल में फर्क पड़ेगा, क्योंकि टोटल में कैसे फर्क पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई होना होता है एवरेज इन्वेंट्री से। तो एवरेज इन्वेंट्री के अंदर बफर स्टॉक आएगा तो आंसर बढ़ेगा, तो टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी लेकिन पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ईओक्यू वुड डिक्रीज, क्या ईओक्यू पे कोई फर्क पड़ेगा?
अच्छा, ईओक्यू का फॉर्मूला है 2 into CO into D डिवाइडेड बाय CH अंडर स्क्वायर रूट। अब इस फॉर्मूला में क्या बफर स्टॉक कहीं है? नहीं। तो इसका मतलब है जब इस फॉर्मूला के अंदर बफर स्टॉक का कोई जिक्र ही नहीं है तो ईओक्यू पे कैसे फर्क पड़ेगा? एवरेज इन्वेंट्री वुड इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एवरेज इन्वेंट्री इक्वल होती है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। तो यहां पे अगर बफर आ जाएगा तो एवरेज इन्वेंट्री का आंसर कुछ और होगा, और अगर बफर जीरो होगा तो आंसर कुछ और होगा। तो एवरेज इन्वेंट्री पे तो फर्क पड़ेगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट वुड डिक्रीज, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आंसर बनेगा कि जब बफर स्टॉक ऐड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री पे फर्क पड़ेगा, बाकी किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रेलिवेंट? अब देखें वर्ड यहां पे क्या ट्रिक यूज किया है, कहता है लीस्ट रेलिवेंट, यानी रेलिवेंट होगा लेकिन लीस्ट का मतलब है सबसे कम रेलिवेंट कौन सा है। टू सिंपल द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल फॉर इन्वेंट्री, कहते हैं ईओ क्यू के लिए कौन सी चीज सबसे कम रेलिवेंट है, लीस्ट रेलिवेंट। एनुअल डिमांड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये तो फार्मूले के पार्ट है, तो ये तो मेन एलिमेंट्स हैं। तो लीस्ट रेलिवेंट फिर एक ही बात बचती है, सेफ्टी इन्वेंट्री, जिसको बफर स्टॉक कहते हैं। ए आंसर। 107, विच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर यूज इन अकाउंटिंग फॉर रॉ मटीरियल्स? विच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मे बी यूज टू रिकॉर्ड रॉ मटीरियल सेंट बैक टू स्टोर फ्रॉम प्रोडक्शन? कहते हैं इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो यूज किया जाता है रॉ मटीरियल सेंट बैक टू स्टोर फ्रॉम प्रोडक्शन, तो वो मटीरियल रिटर्न्ड नोट होता था, ये वाला गुड्स रिसीव नोट कुछ और है, मटीरियल रेक्विजिशन कुछ और है, डिलीवरी नोट कुछ और है। सो द राइट आंसर इज 2 only C option। जब भी मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वापस भेजता है स्टोर को तो उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं मटेरियल रिटर्न्ड नोट, सो द सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी चेक्ड बिफोर अ परचेज इनवाइस इज पेड? परचेज इनवाइस पे करने से पहले कहता है क्या चेक किया जाता है? टू कंफर्म द प्राइस एंड द क्वांटिटी आर करेक्ट। प्राइस जो है वो हम कहाँ से चेक करेंगे, क्वांटिटी कहाँ से चेक करेंगे? वैसे तो दोनों चीजें गुड्स रिसीव्ड नोट से चेक हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी ऑप्शन नहीं है कि जिसमें दोनों GRN हो, तो क्वांटिटी तो डेफिनेटली गुड्स रिसीव्ड नोट से चेक होनी है। इसका मतलब है या आंसर सी बनेगा या डी बनेगा। इनवाइस हमारे पास आई है, परचेज इनवाइस को चेक करना है, तो उसको फिर परचेज ऑर्डर से चेक करेंगे, तो परचेज ऑर्डर से प्राइस चेक कर लेंगे और गुड्स रिसीव्ड नोट से क्वांटिटी चेक कर लेंगे। यानी जब हमने ऑर्डर भेजा था तो हमने उसके साथ एक रेट तय किया था, क्या ये रेट वही रेट है, तो वो परचेज ऑर्डर से वेरीफाई हो गया, और क्वांटिटी जो है वो हमने वेरीफाई की किससे, गुड्स रिसीव्ड नोट से। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसी कॉन्सेप्ट को पिछले सवाल पे अप्लाई किया जाए, क्योंकि हमने यहां से देखा कि परचेज प्राइस जो है वो हमने वेरीफाई की परचेज ऑर्डर से और क्वांटिटी हमने वेरीफाई की गुड्स रिसीव्ड नोट से, अगर इसी को हम एक पिछला सवाल एक कर रहे थे, अगर हम उसके साथ करेंगे 102, तो अब बताएं अब आंसर क्या होना चाहिए। हमने तब बी एंड सी इसका डिसाइड किया था, लेकिन मैंने कहा था ए भी सही है। अब देखें, कहता है इंफॉर्मेशन टू चेक द करेक्ट प्राइस, तो जब हमने प्राइस जो है वो हमने कह दिया परचेज ऑर्डर, तो इसका मतलब है बी को निकाल दें इसमें से, क्योंकि
प्राइस को चेक करना परचेज ऑर्डर के साथ ज्यादा सूटेबल है, जबकि क्वांटिटी को चेक करना गुड्स रिसीव नोट के साथ। तो इसका मतलब है इसका आंसर बना ए एंड सी। क्यों हमने बनाया? क्योंकि अभी हमने एक सवाल किया जिसके अंदर उसने हमें ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो प्राइस, जो इनवाइस है, इनवाइस की जो प्राइस है वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? परचेज ऑर्डर से चेक करना ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि परचेज ऑर्डर जब प्लेस किया था तो उसके अंदर एक रेट डिसाइड हुआ था, रेट इज डिसाइडेड। तो चेक ये करना है कि क्या ये उसी डिसाइडेड रेट पे इनवाइस आई है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसने तब कहा कुछ और था अब रेट कुछ और दे दिया। सो इट इज बेटर टू चेक द प्राइस फ्रॉम परचेज ऑर्डर एंड इट इज बेटर टू चेक द गुड्स फ्रॉम गुड्स रिसीव्ड नोट क्वांटिटी। तो ये आपने इसका आंसर ए एंड सी होगा। बी को हम काट देंगे क्योंकि बी प्राइस है, तो प्राइस बेटर है कि परचेज ऑर्डर से प्लेस किया जाए। तो इसको आपने ये देख लेना है जी, किट आपके पास है ऑलरेडी शेयर की हुई है, किट के आखिर पे इसी तरह हर सवाल के आंसर भी हैं विद रीजंस लिखा हुआ है। तो जिन लोगों को कोई थोड़ा बहुत इशू रह गया है वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा तब भी क्लियर हो जाएगा, और बाकी किट करें और फिर जो कोई कंफ्यूजन आए वो मेरे से आप डिस्कस करते रहें तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर यहाँ तक अगर कोई आपका क्वेश्चन है ना तो वो आप अभी डिस्कशन में आप मेरे से कर लें, फिर हम इससे आगे की स्ट्रेटजी देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। अच्छा एक क्वेश्चन है मोहम्मद हसन खान का, कहता है सर हमारी कंपनी में परचेज ऑर्डर में जॉब मेंशन होती है, तो आपकी कंपनी ना जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम को फॉलो कर रही होगी। जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप खरीदते ही तब है जब आपको चीज चाहिए होती है किसी मकसद के लिए। तो हो सकता है इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कभी भी उसके अंदर शामिल नहीं हो सकता, तो आपकी कंपनी सही प्रैक्टिस फॉलो कर रही है। वो मटेरियल मंगवाती ही तब होगी जब उसे कोई ऑर्डर आता है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए आइटम मंगवाती है, तो इसलिए उसके अंदर ही जॉब मेंशन होता है, तो वो कोई इशू नहीं है, वो हो सकता है। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम है, जैसे ये गाड़ियां बनती हैं टोयोटा मोटर्स वगैरह, तो जब इनको गाड़ी का ऑर्डर प्लेस आता है ये पैसे पहले ले लेते हैं, फिर आपको टाइम देते हैं कि 3 माह के बाद गाड़ी मिलेगी, तो आपसे पैसा लेके फिर आपके लिए रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, तो ये जस्ट इन टाइम तो वहां पे मेंशन होता है कि ये किस काम के लिए खरीद रहे हैं। दो से तीन मिनट का मैं ब्रेक कर रहा हूँ, आप लोग पानी वगैरह पी लें, फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं।
जी स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है लेबर कॉस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और बहुत आसान भी है और प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली है ही है। टॉपिक का नाम है लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्ट भी कह सकते हैं, यानी हमने लेबर की कॉस्ट फाइंड करनी है इस टॉपिक में। अब मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि लेबर हमने कहा किसे था, वर्कर्स को। वर्कर्स कॉस्ट, इसको हमने लेबर कॉस्ट का नाम दिया था क्योंकि वर्कर तो लेबरर होता है, मजदूर। उस मजदूर को जो पैसे हम पे कर रहे हैं वो लेबर कॉस्ट कहलाती है। अकेला लेबर लिख लूं या लेबर कॉस्ट लिख लूं, वो वर्कर की कॉस्ट। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक सैलरी और दूसरा वेजेस। जो सैलरी है वो फिक्स्ड अमाउंट होती है फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मंथली पाकिस्तान में जैसे है तो मंथली सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर ली जाती है। जब इंटरव्यू होता है तो एम्प्लॉय के साथ एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर ली जाती है कि मंथली तुम्हें इतने पैसे देंगे, तो वो सैलरी कहलाता है। सैलरी नॉर्मली एग्जेक्टिव नेचर की जॉब को पे किया जाता है, यानी जो मजदूर हैं उनको वेजेस ही पे करते हैं। वेजेस इज पेड टू लोअर क्लास वर्कर्स This might be based on piecework or on hourly basis. यानी workers को दो तरीकों से पे किया जा सकता है, पीस वर्क की बेस पे या आर्ली बेसिस की बेस पे। पीस वर्क का मतलब है कि जितने पीसीज वो बनाएगा, यूनिट्स, वर्कर जितने पीसीज बनाएगा उस हिसाब से उसकी वेजेस बनेंगी। वेजेस अंडर पीस वर्क सिस्टम। पहले मैं आपको सिर्फ ये पढ़ाऊंगा पीस वर्क सिस्टम में वेजेस कैसे बनेंगी। आमतौर पर पीस वर्क सिस्टम 3 तरह का होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में पीस वर्क सिस्टम 3 तरह का होता है। नंबर 1 स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम। स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप वर्कर के साथ पर यूनिट रेट फिक्स्ड कर लेते हैं। द रेट इज फिक्स्ड
on per piece basis. For example, हम एक worker की production का हिसाब लगाते हैं Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Suppose कहते हैं कि 5 दिन काम होता है और worker ने Monday को 100 units बनाए, प्रोडक्शन है एक वर्कर की, और हमने उसके साथ रेट तय कर लिया कि हम तुम्हें ना $10 देंगे पर यूनिट, तो उसके मंडे की जो वेजेस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो मंडे का उसका 1000 बन जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, 1200, 1300 एंड 1400. और अगर मैं इन सब को टोटल कर लूं तो ये उसकी टोटल वीकली वेजेस आ जाएंगी, यानी उसकी पूरे हफ्ते की जो मजदूरी है वो इतनी बनेगी. अब इस मेथड में देखें, मैंने रेट 10 ही रखा है, मैंने रेट फिक्स कर लिया, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट पीस वर्क, यानी पर यूनिट रेट इज फिक्स्ड. The rate is fixed on per piece basis, यानी जितने pieces वो बनाएगा per piece उसका rate fix है. तो हमने उसका रोज का रोज हिसाब कर लिया कि भाई हम तुम्हें इतने पैसे देंगे per unit basis पे. तो जितने unit उसने बनाए उसको हमने देख लिया, और फिर at the end जो है हमने इन सब का total कर लेना है, तो ये उसकी weekly wages आ गई. तो अगर हम वीकली वेजेस का टोटल करें तो वो कितना बनेगा, $6400. ओके जी, स्ट्रेट पीस वर्क उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा. बहुत आसान है कि पर यूनिट रेट फिक्स कर लिया और जितनी प्रोडक्शन कोई करेगा उस हिसाब से प्रोडक्शन करनी है. अच्छा, जब हम किसी भी वर्कर को प्रोडक्शन की बेस पे पे करेंगे ना, तो वर्कर लालची हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी ज्यादा यूनिट बनाऊं. देखें, जैसे मंडे को उसने सिर्फ 100 यूनिट बनाए थे, ट्यूसडे को ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्शन उसने ज्यादा कर ली, वेनेसडे को 120, 130, 140. तो वर्कर एक ह्यूमन साइकी है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन के लालच में हो सकता है क्वालिटी खराब करे. तो हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम जब उसे पे करेंगे ना, हम उसे हमेशा गुड यूनिट्स का पे करेंगे. तो मैंने सपोज किया है कि इसके जितने भी यूनिट्स थे वो सारे के सारे गुड यूनिट्स हैं. अब गुड यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप वर्कर की टोटल प्रोडक्शन देख लें, टोटल प्रोडक्शन कि उसने टोटल कितने यूनिट्स बनाए, उसमें से लेस कर दें रिजेक्शन. आप इंस्पेक्शन करें और इंस्पेक्शन करके रिजेक्ट कर दें कि कितने यूनिट उसने खराब बनाए. सपोज करें एक वर्कर कहता है कि मैंने ना 110 यूनिट बनाए, हमने इंस्पेक्शन की तो 10 यूनिट खराब निकल आए, तो गुड यूनिट कितने निकले, 100 यूनिट. तो हम उसे जब पे करेंगे तो हमने हमेशा गुड यूनिट्स की पेमेंट करनी है, ये याद रखना. ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में बता देगा. जब भी कभी रिजेक्शन का कोई सिनेरियो होगा, क्वेश्चन में बताएगा कि इतने यूनिट्स इंस्पेक्शन के दौरान रिजेक्ट हो गए, तो रिजेक्टेड को हम पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ पे करेंगे गुड यूनिट्स के लिए. अच्छा, अब मैं दोबारा वापस आता हूँ पीस वर्क सिस्टम पे. पहली चीज हमने पढ़ी स्ट्रेट पीस वर्क, सेकेंड डिफरेंशियल पीस वर्क, स्ट्रेट में नाम से ही जाहिर था कि एक ही रेट है, डिफरेंशियल में रेट डिफर करेगा. मैं आपके सामने सिनेरियो बनाता हूं, यूनिट्स और रेट. अगर वर्कर 1 से लेके 100 तक यूनिट बनाए
तो पर यूनिट रेट 8 होगा। अगर वो 101 से लेके 150 तक प्रोडक्शन करता है तो फिर रेट 10 होगा। 151 से लेके 200 तक का रेट जो है वो उसका 12 होगा, और 201 और उससे अबव जितने भी बनाए फिर सबके लिए रेट 15 होगा। तो देखें अब रेट हमारा डिफर कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है डिफरेंशियल पीस वर्क। अब एक वर्कर है, लेट से उसने मंडे को जो प्रोडक्शन की वो उसने बनाए 120 यूनिट्स, और मैं सपोज कर रहा हूं कि ये गुड यूनिट्स हैं। ट्यूजडे को उसने 90 बनाए, वेनसडे को 155, थर्सडे को 200 और फ्राइडे को 220 ये उसने प्रोडक्शन की। अब हमें इस वर्कर की वेजेस बतानी और मेथड है डिफरेंशियल। अब देखें जो मंडे है, मंडे वाले दिन की उसकी टोटल आउटपुट है 120 यूनिट्स की। जो पहले 100 यूनिट हैं उन पे रेट लगेगा 8, और जो अगले 20 हैं वो आपके फॉल करेंगे 10 रुपए वाले में। तो ये ना 800 प्लस 200 तो मंडे को उसको 1000 मिलना है, मंडे की वेजेस 1000 हो। ट्यूजडे को इसने सिर्फ 90 बनाए हैं, तो 90 फॉल कर रहे हैं 8 पे, तो ट्यूजडे को इसको मिलेंगे जी 720। वेनसडे को इसने 155 बनाए, तो जो पहले 100 हैं उनका रेट होगा 8, अगले जो 50 हैं उनका रेट होगा 10, और अगले जो 5 होंगे उनका रेट होगा 12। तो इसका मतलब बना कि ये 800 हो गया, ये 500 हो गया, ये 60 हो गया, तो 1360 इसकी वेजेस बनेगी वेनसडे की। थर्सडे, थर्सडे को उसने 200 यूनिट बनाए, अब 200 को इसी स्लैब के मुताबिक लेके चलना है, जो पहले 100 यूनिट हैं उनका रेट 8 होगा, जो अगले 50 हैं उनका रेट 10 होगा, तो ये 150 हो गया, और फिर अगले 50 हैं उनका रेट 12 होगा, तो 200 पूरा हो गया, 800, 500 और 600, 1900 इसकी थर्सडे की वेजेस बनेगी। फ्राइडे को इसने 220 बनाए हैं, तो अगेन उसी पैटर्न से चलेंगे, जो पहले 100 होंगे उनको 8 पे, 10 पे, फिर जो 50 हैं उनको 20 जो हैं वो 15 के हिसाब से पे होगा, तो ये होगा 800 प्लस 300, तो 2200 बना। और अब इसकी वीकली वेजेस कितनी बनी इन सबका सम कर ले, किन किन का, ये मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन सारी फिगर्स का सम कर ले, 1000 प्लस 720 प्लस 1360 प्लस 1900 और प्लस 2200,
तो ये 7180 ये आपकी वीकली वेजेस आ गई। जी जो भी टोटल आया है आप लिख लीजिएगा, अगर किसी का आंसर कुछ और है, जस्ट इनका टोटल करना है, मंडे की वेजेस का, ट्यूजडे की वेजेस का, वेनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। रिपीट करता हूं, डिफरेंशियल पीस वर्क, पीस रेट विल डिफर। तो आपने करना क्या होगा, हर दिन की प्रोडक्शन को इसी पैटर्न से आपने करना है। जैसे 120 बनाए तो 120 के इतने पैसे बने, ट्यूजडे को सिर्फ 90 बनाए तो 90। अब देखें इसमें फायदा क्या हो रहा है वर्कर का, जो पिछला मेथड था उसमें वर्कर जितनी मर्जी जान मार ले, 100 बनाता है तो फिर भी पर यूनिट रेट 10 नहीं है, 150 बनाए तो फिर भी पर यूनिट रेट 10 नहीं है। तो जो पिछला मेथड था वो इंसेंटिव बेस्ड नहीं था, डिफरेंशियल में इंसेंटिव बेस्ड है, यानी वर्कर ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, थोड़ी मेहनत करेगा थोड़े पैसे मिलेंगे, तो उसको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो एक एमसीक्यू अक्सर ये भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसेंटिव बेस्ड मेथड। सो इंसेंटिव बेस्ड मेथड इज अ डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। जी कॉन्सेप्ट पीस वर्क वाला जो सिस्टम है, कॉन्सेप्ट वही है कि यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डिफरेंशियल में रेट वेरी करेगा और स्ट्रेट पीस वर्क में रेट वेरी नहीं करेगा, रेट वही रहेगा। जी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, बुक में भी इसकी इलस्ट्रेशंस हैं, लेकिन अभी आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम, इसका ये क्वेश्चन था और इनका ये सोल्यूशन है। अब तीसरा मेथड पीस वर्क में, एक आखिरी मेथड है, उसे कहते हैं पीस वर्क विद गारंटी। और गारंटीड पीस वर्क, अब इसके नाम से जाहिर है कि इसमें हमने उसे कोई गारंटी दे दी है। गारंटी का मतलब होता है मिनिमम पेमेंट इतनी होगी। अब मैं पहले इसका सिनेरियो बनाता हूं, मैं उसी तरह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, गुड यूनिट्स 150, 120, 160, 180 और 140, रेट 10 रेट लगाना है जी, स्ट्रेट पीस वर्क का सवाल बन गया। इसका मतलब है कि अगर यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई करूं तो वेजेस बन जाएंगे, 1500 हो गया, 1200, 1600, 1800 और 1400। अब ये सेम टू सेम पहले वाला सिनेरियो मैंने बना लिया स्ट्रेट पीस वर्क का, अब मैं इसके अंदर गारंटी ऐड करने लगा हूं जी। मैंने वर्कर को गारंटी दे दी, मैंने कहा तुम्हें कम से कम 1500 रुपया रोज जरूर मिलेगा, यानी गारंटी क्या दी, 1500 पर डे। क्योंकि प्रैक्टिकली होता यह है कि जब आप वर्कर को पीस वर्क सिस्टम पे हायर करते हैं तो वर्कर रिलक्टेंट होता है कि यूनिट ना बने मेरे से तो मैं पैसे नहीं कमा सकूंगा। मसलन अगर एक वर्कर पूरे दिन में 10 बनाता है तो उसको तो 100 रुपया बनेगा, तो इसका मतलब है हो सकता है कि कोई बंदा ये स्टेप लेने को तैयार ना हो। तो आपने उसे गारंटी दे दी कि तुम मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें कम से कम 1500 जरूर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारे पैसे 1500 से कम बनेंगे ना, मैं तुम्हें 1500 दूंगा।
और जिस दिन तुम्हारे पैसे ज्यादा बनेंगे वो तुम ले लेना। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेमेंट होगी, अब देखिए मंडे को उसका बना 1500 और गारंटी कितनी थी 1500 की, तो पेमेंट 1500 की बननी है उसकी। ट्यूसडे को उसके बने 1200, लेकिन हमने उससे कहा हुआ है कि जिस दिन तुम्हारे काम हुए हम तुम्हें 1500 ही देंगे, तो पेमेंट हुई 1500 की। वेनसडे को 1600 हुआ और गारंटी 1500 की थी, तो उसे 1600 मिलेगा क्योंकि जाहिर है उसने मेहनत की है, 1800। और यहाँ पे 1400 बनता है, लेकिन क्योंकि मिनिमम वेजेस पर डे, ये गारंटीड वेजेस जो हैं ये मैंने पर डे की गारंटी की हुई है कि मैं तुम्हें रोज का 1500 जरूर दूंगा, तो ये इसकी टोटल वीकली वेजेस बनेंगी जी। इस बंदे को हफ्ते के बाद इतने पैसे मिलेंगे। तो ये जी गारंटीड का कॉन्सेप्ट आ गया कि आपने उसे गारंटी दी हुई थी कि भाई तुम बेफिक्र हो, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर तो बंदा काम ही ना करे, वो कहे जी ठीक है शाम को 1500 तो बन ही जाना है। तो ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस आती हैं, लेकिन जो बंदा रोज रूटीन में ऐसा करेगा कि फ्री बैठ के हर दफा पैसे लेता रहेगा, हम उसे एक वक्त आएगा कि हम उसे कहेंगे कि भाई अब तुम ना आना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वो उस तरह के सारे एलिमेंट्स कंपनी कंसीडर कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई डिसीजन नहीं लेना, हमने सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि इस सिनेरियो में लेबर की क्या कॉस्ट होगी। मैंने आपको लेबर की कॉस्ट में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया कि वेजेस और सैलरीज में क्या फर्क है। सैलरी फिक्स्ड होती है मंथली एनुअली, वेजेस ये बेस कर रही होती है पीस वर्क पे और आवरली बेस पे। तो सबसे पहले हमने पीस वर्क सिस्टम को देखा। पीस वर्क सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम स्ट्रेट पीस वर्क, इसमें आपका पर यूनिट रेट चेंज नहीं होता। देन डिफरेंशियल पीस वर्क, इसमें आपका पर यूनिट रेट चेंज हो जाएगा, एक स्लैब दे दिया जाएगा कि इतने से इतने यूनिट तक का ये रेट है, इतने से इतने यूनिट्स का ये रेट है। हमने उसकी भी कैलकुलेशन की। और फिर तीसरी चीज पीस वर्क में मैंने पीस वर्क विद गारंटी बताई, तो इसे कहेंगे गारंटीड पीस वर्क। अच्छा, यहां पे मैंने गारंटी पर डे बताई थी, ठीक है? तो गारंटी जो है वो मैंने पर डे बताई हुई है। ये भी हो सकता था कि गारंटी मैं वीकली दे दूं। मैं इसी का एक दूसरा सिनेरियो बनाता हूं। लेट्स से कि हमने जो गारंटी दी थी $7500 पर वीक, हमने उससे ये वादा कर लिया कि हम तुम्हें हर हफ्ते 7500 देंगे। अब इस सूरत में क्या होगा, आप इसका टोटल करें जो उसकी एक्चुअल वीकली वेजेस बनती हैं, अब रोज का रोज कंपैरिजन नहीं होना क्योंकि जहां पे गारंटी डली थी ना वहां रोज का रोज देख रहे थे कि 1500 बन रहा है कि नहीं। अब मैंने कहा है गारंटी तुम्हें मिलेगी 7500 रुपया एक हफ्ते का, तो अब आप पूरे हफ्ते की पहले वेजेस बनाएं कितनी बनती हैं इसकी। ये 7500 ही बन गया। तो इसका मतलब है गारंटी भी 7500 की थी, तो उसको 7500 की पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट कितने की होगी, तो फिर हमने हफ्ते के बाद कंपेयर करना है, रोज का रोज कंपैरिजन नहीं करना। अगर क्वेश्चन को देख लें कि गारंटी पर डे है तो डेली बेसिस पे कंपैरिजन होगा, और अगर गारंटी पर वीक हुई तो वीकली बेसिस पे कंपैरिजन होगा। इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके अंदर क्लियरली लिखा होता है कि गारंटी इज पर डे या गारंटीड वेजेस ऑन वीकली बेसिस, तो वो आपको उसने सारा कुछ क्वेश्चन में क्लियर कट बताया होगा।
तो ये जी पीस वर्क सिस्टम जो है इसके अंदर हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या हुआ, वो कंक्लूजन देख लें। वर्कर की जो वेजेस होंगी उसको हम नाम देंगे ग्रॉस वेजेस, विल बी इक्वल टू गुड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट रेट। अगर स्ट्रेट पीस वर्क है तो रेट चेंज नहीं होगा, और अगर डिफरेंशियल है तो वो स्लैब के अकॉर्डिंग भी चेंज होगा। तो जो वेजेस का कॉन्सेप्ट बना वो ये बना कि जितने भी वर्कर के गुड यूनिट्स होंगे उसे आप पर यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेजेस बन जाएंगी। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसे याद रखना है। बाकी स्ट्रेट पीस वर्क है तो वो रेट फिक्स्ड है, डिफरेंशियल है तो वो रेट वेरी करेगा, डाटा देख के ही पता चल जाएगा। अगर डाटा इस तरह का दे दे जैसे कि इस सवाल में था कि इतने से इतने तक का ये रेट है, इतने से इतने तक का ये रेट है, तो वो डिफरेंशियल पीस वर्क होगा। और अगर थ्रू आउट द डाटा एक ही रेट है तो वो स्ट्रेट है। और अगर क्वेश्चन में कहीं एक लाइन लिख दे कि देर इज अ गारंटी ऑफ दिस अमाउंट पर डे और पर वीक, तो फिर आपने उसे लेना है। ठीक हो गया। तो ये है जी आपकी पीस वर्क सिस्टम का कॉन्सेप्ट। अब ऑर्ली बेस्ड सिस्टम को डिस्कस करते हैं। अगर आपको पीस वर्क सिस्टम समझ आ गया तो आपको ऑर्ली बेस्ड सिस्टम भी फौरन समझ आ जाएगा। ऑर्ली बेस्ड में नाम से जाहिर है आर्स को देखा जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो वेजेस होंगी वो इक्वल होंगी आर्स मल्टीप्लाइड बाय पर आर रेट। यानी पिछले सिनेरियो में हम पर पीस रेट तय करते थे कि हम तुम्हें पर यूनिट इतना पे करेंगे, अब हम उसे घंटों के हिसाब से पे करेंगे कि पर आर तुम्हें इतना पे करेंगे। इसका मतलब है कि जब आर्ली बेस सिस्टम आया तो हमें वर्कर की टाइम शीट बनानी पड़ेगी। टाइम शीट का मतलब है कि उसने काम कहाँ कहाँ किया, कब वो आया और कब गया। जैसे ऑफिस में इन और आउट होता है कि आप कितने बजे आए और कितने बजे गए, तो ये इन आउट। फिर जब आप ऑफिस आए तो आपने कितने घंटे कहाँ पे काम किया, तो ये सारी डिटेल टाइम शीट में आपको मिल जाएगी। जब भी आर्ली बेस सिस्टम तय होता है तो सबसे पहले नॉर्मल वर्किंग आवर्स देखे जाते हैं कि एक वर्कर ने नॉर्मली कितने घंटे काम करना है। जैसे हमारे यहाँ 9 AM to 5 PM ऑफिस टाइम होता है, तो इसका मतलब है 8 hours इन अ डे, एक दिन में 8 घंटे। और इन नॉर्मल आवर्स का जो रेट होगा तो उसको कहेंगे नॉर्मल आवरली रेट, बेसिक रेट भी कह सकते हैं इसको। सपोज करता हूं कि वो रेट तय हो गया $10 per hour। हमने जब वर्कर को हायर किया तो हमने उसके साथ कमिटमेंट की कि नॉर्मली तुमने 9 से 5 आना है, यानी एक दिन में 8 घंटे, और हम तुम्हें जो रेट देंगे वो 10 per hour होगा। अब आपको पता है कि अक्सर ऑफिस के अंदर वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से आपकी छुट्टी का टाइम 5 के बाद भी हो सकता है। तो अगर एक वर्कर नॉर्मल टाइम के बाद भी काम करे तो उसे कहते हैं ओवर टाइम। द टाइम अबव नॉर्मल वर्किंग आवर्स वो ओवर टाइम होगा। ओवर टाइम का पता कैसे चलेगा? सपोज करते हैं कि एक वर्कर मंडे को आया, सुबह 9 बजे आके उसने अटेंडेंस लगाई और उसने चेकआउट किया 6 PM, तो इसका मतलब है 9 hours बने उसके। ट्यूजडे को वो 9 to 5, 8 hours हो गए। वेनेसडे को 9 to 7,
ये 10 hours हो जाएंगे, थर्सडे 9 to 8, 11 hours, ये आज सबके साथ लिखेंगे, फ्राइडे 9 to 5, तो ये वर्कर की टाइम शीट से हमें पता चल गया कि इतने इतने घंटे इसने काम किया, तो ये उसके एक्चुअल आवर्स हैं, ये क्या है, ये उसके एक्चुअल आवर्स हैं, और उसके नॉर्मल आवर्स कितने थे डेली, 8 घंटे थे, हर रोज उसने 8 घंटे काम करना था, तो मंडे वाले दिन उसने ओवर टाइम किया 1 आवर का, ट्यूजडे को कोई ओवर टाइम नहीं है, वेनेसडे को 2 आवर का ओवर टाइम है, देन 3 आवर्स का ओवर टाइम है, और फ्राइडे को कोई ओवर टाइम है, इस वर्कर के टोटल 6 आवर्स बने ओवर टाइम के इन अ वीक, टोटल ओवर टाइम आवर्स इन अ वीक, मैं सपोज कर रहा हूं कि वीकली बेसिस पे हम हिसाब करते हैं, जैसे मैंने पीस वर्क में भी वीकली बेसिस पे हिसाब किया, तो इस वर्कर के पूरे हफ्ते में 6 घंटे ओवर टाइम बना है। अब हमने जो रेट इसके साथ तय किया था वो 10 आवर था, ये रेट था इन 8 घंटों के लिए, क्या अगर तुम दिन में 8 घंटे काम करोगे तो हम तुम्हें 10 रुपए फी घंटा पे करेंगे, लेकिन अगर आपने कभी उसे ओवर टाइम करवाया तो ओवर टाइम का जो रेट होगा वो रेट कहलाएगा ओवर टाइम रेट। The rate at which overtime hours are paid, यानी वो रेट जिस पे आपके ओवरटाइम के आवर्स की पेमेंट होनी है वो रेट ओवरटाइम रेट कहलाएगा। अब कॉमन सेंस क्या कहती है, वो रेट इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, या इसके बराबर होगा? वो रेट डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा। वजह क्या है कि वो बंदा 5 बजे के बाद अब आपका काम कर रहा है, उसने सेक्रीफाइस किया अपने फैमिली टाइम को, हो सकता है उसकी कोई और अदर कमिटमेंट्स हो, तो आपने उसे एटलीस्ट कोई लालच देना है कि वो रुके, जब वो आपके पास रुकेगा तो आपका कोई काम करेगा, तो इट मीन्स आपका जो रेट होगा ओवर टाइम रेट दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द नॉर्मल रेट। तो हम सपोज करते हैं कि ओवर टाइम रेट जो हमने तय किया वो था जी $15 पर आवर। अब देखें वो 9 to 5 आता था तो उसका रेट $10 था, अब हमने 5 बजे के बाद का रेट $15 पर आवर कर दिया, इसका मतलब है कि जो ओवर टाइम रेट है वो इक्वल है बेसिक रेट प्लस प्रीमियम रेट, प्रीमियम का मतलब होता है एडिशनल। अब ओवर टाइम रेट हमने कहा कि $15 है पर आर और बेसिक रेट 10 था, तो यहां से प्रीमियम पर आर निकल आएगा, प्रीमियम कितना आ जाएगा, प्रीमियम पर आर 5, यानी हम अपने वर्कर को ₹5 या $5 पर आर एक्स्ट्रा दे रहे हैं अगर वो ओवर टाइम करता है, इसका मतलब है ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है तो इसको अवॉइड करना चाहिए, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस में ओवरटाइम को अवॉइड किया जाता है, लेकिन जहां पे जरूरत पड़े तो वहां पे ओवरटाइम करवाया भी जाता है, तो फिर हम पर आर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। देखो अगर वही काम 1 घंटा वो कल आके करता तो ₹10 देने थे, लेकिन हमने वही काम आज करवाया तो हमने $15 पर आर उसे पे किया। तो यहाँ पे हमें पता ये चला कि हमें सबसे पहले आवरली बेस्ड सिस्टम में ये देखना होगा कि वर्कर ने नॉर्मल कितने घंटे काम करना था और उसने एक्चुअल कितने घंटे काम किया, तो सबसे पहले ओवर टाइम देखें कि बनता भी है कि नहीं, अगर वो नॉर्मल आवर्स के अंदर ही है तो उस पे नॉर्मल रेट लगेगा, अगर वो नॉर्मल आवर्स के बाहर है तो उस पे एक्स्ट्रा रेट लगेगा। तो अब अगर देखा जाए तो मैं आपके साथ एक सवाल बनाता हूं और उस एक इलस्ट्रेशन को करते हैं और फिर यहां पे हम आज का लेक्चर एंड करेंगे।
Mr. A worked for 48 hours in a week. His normal working hours were 40 at the rate $8 per hour. If any overtime is being worked by Mr. A, then overtime hours will be paid at time and a half. Calculate his weekly wages. ये requirement है। अब देखें, जब भी early based question आया तो आपने सबसे पहले normal hours ढूंढने हैं सवाल में कि कितने थे। 40 थे जी, और इनका रेट भी ढूंढ लेना है, वो 8 है। एक्चुअल आवर्स ढूंढने हैं, दूसरा काम क्या करना है, एक्चुअल आवर्स। तो उसने कहा कि ही वर्कड फॉर 48, यानी उसने काम किया, पास्ट टेंस है, वर्कड 48 आवर्स, इट मींस 8 घंटे एक्स्ट्रा काम हुआ। तो ये जो है ये ओवर टाइम आवर्स बनेंगे जी। अब पिछला वाला दे दे, जैसे मैंने दे दिया था कि 15 रुपए रेट है तो सही है, लेकिन इस सवाल में उसने दिया नहीं है, उसने एक वर्ड लिखा है, वो देखिएगा, ओवरटाइम आवर्स विल बी पेड एट टाइम एंड अ हाफ। टाइम का मतलब है बेसिक रेट, यानी ओवरटाइम बेसिक रेट पे होगा, एंड और, यानी ये भी पे होगा और ये भी पे होगा, एंड अ हाफ, हाफ का मतलब है बेसिक का हाफ। इसका मतलब है कि बेसिक रेट तो 8 था प्लस 8 का हाफ, तो 12 पे होगा जी, यानी 4 का प्रीमियम है और 8 उसको देना ही देना था। अब हमने इसकी वेजेस बनानी है, अगर हमें ये सारी चीजें मिल गई तो काम आसान हो गया। जो इसकी ग्रॉस वेजेस होंगी इस वर्कर की, वो इक्वल होंगी नॉर्मल वेजेस प्लस ओवरटाइम वेजेस, दोनों का हिसाब लैदा लैदा रखना है। नॉर्मल वेजेस का मतलब है जो उसकी आम हालात में बननी थी, तो आम हालात में बननी थी नॉर्मल आवर्स इनटू नॉर्मल रेट, ये उसकी नॉर्मल वेजेस है। ओवरटाइम वेजेस बननी है ओवरटाइम आवर्स इनटू ओवरटाइम रेट, लाइक विद लाइक, नॉर्मल को नॉर्मल के रेट पे, ओवरटाइम को ओवरटाइम के रेट पे। अब आपके नॉर्मल आवर्स थे 40, तो 40 आवर्स को आप पे करेंगे एट द रेट 8 पे, ये बना 320। आपने 8 घंटे का ओवरटाइम किया और ओवरटाइम का रेट आप फाइंड कर चुके हैं 12। तो आपकी ग्रॉस वेजेस जो हैं वो कितनी हो जाएंगी, 416। तो ये जी इस वर्कर की ग्रॉस वेजेस होगी जिसने 48 आवर्स काम किया। रिपीट कर देता हूं, मिस्टर ए वर्क फॉर 48 आवर्स इन अ वीक, हिज नॉर्मल वर्किंग आवर्स वर 40 एट द रेट ऑफ 8 पर आवर। ये क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये तय किया जाता है जब वर्कर को आर्ली बेसिस पे रखा जाता है, तो उसके साथ एक रेट तय होता है, नॉर्मल टाइम भी तय होता है, और फिर वो उससे एक्स्ट्रा जो काम करता है वो ओवर टाइम होता है, और ओवर टाइम का रेट डेफिनेटली नॉर्मल रेट से ज्यादा होता है। तो वो कितना होगा वो क्वेश्चन बता देगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइम एंड अ हाफ, और टाइम एंड अ हाफ को मैंने इंटरप्रेट करके दिखाया कि टाइम का मतलब है बेसिक रेट और हाफ का मतलब है बेसिक का हाफ।
तो दोनों चीजें पे होंगी, बेसिक रेट भी पे होगा प्लस बेसिक का हाफ भी। तो ये जो बेसिक का हाफ है ये प्रीमियम ही है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो जो आपके नॉर्मल आवर्स बनेंगे उनको आप नॉर्मल रेट पे करोगे, और जो ओवर टाइम के आवर्स होंगे उन पे रेट ओवर टाइम वाला लगेगा। अगर वो रेट स्टेट फॉरवर्ड सवाल में दे दे तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर आपको ये छोटी सी कैलकुलेशन नहीं करनी। और अगर वो ना दे तो हमें क्वेश्चन के डाटा से उसे ओवर टाइम का रेट बना लेना है। तो हमने नॉर्मल आवर्स को, यानी अगर वो ओवर टाइम ना करता तो उसकी वेजेस 320 बननी थी, लेकिन उसने इसी हफ्ते में 8 घंटे ओवर टाइम भी किया है तो फिर उसका रेट 96 है, तो टोटल उसकी 416 की पेमेंट हुई। जी, हमने लेबर का चैप्टर स्टार्ट किया। लेबर के चैप्टर में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि सैलरी क्या चीज है, वेजेस क्या चीज है। वेजेस को हमने कैलकुलेट करना सीखा पीस वर्क सिस्टम, उसमें तीन मेथड आए, स्ट्रेट पीस वर्क, डिफरेंशियल और पीस वर्क विद गारंटी। फिर हमने आवरली बेस सिस्टम को स्टार्ट किया, और आवरली बेस सिस्टम में हमने ये देखा कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स होने चाहिए हमारे पास, देन हमारे पास उनका नॉर्मल रेट होना चाहिए, उसके बाद ओवर टाइम आवर्स का पता होना चाहिए और ओवर टाइम रेट का। तो इतना काम आपने कल तक करके आना है, फिर इससे ऑनवर्ड हम आगे स्टार्ट करेंगे। मैं अब आपके क्वेश्चंस को एक दफा देखता हूँ। जी, गारंटीड वेजेस जो है वो कंपनी के लिए फिक्स होना जरूर है, पर डे फिक्स कर लेते हैं हम या पर वीक, वो क्वेश्चन में आपने देख लेना। अभी आप कंपनी के अकाउंटेंट नहीं है, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ये इस तरीके से हमने करना है। तो आपको क्वेश्चन बता देगा कि गारंटी रोजाना की बेसिस पे है या वीकली बेसिस पे। जी, मैं आपको ये दिखा देता हूँ स्क्रीन, आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। ये इसका तो हो गया होगा, ये आवरली बेस्ड की जो कैलकुलेशन है। उसके बाद ये एक कैलकुलेशन बनती है, आवरली बेस से रिलेटेड के टाइम शीट क्या चीज रहती है, नॉर्मल आवर्स क्या है, ओवर टाइम कैसे निकालना है, ओवर टाइम रेट कैसे होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट हो गया। देन ये गारंटीड पीस वर्क था जिसमें मैंने डेली की गारंटी भी करवा दी कि अगर रोज है तो रोज का रोज देखना है कि जिस दिन 1500 से कम बनेगा उस दिन, और अगर वीकली गारंटी हो तो फिर वीक के आखिर पे देखना है गारंटी के साथ कंपेयर। अगर गारंटी से थोड़े पैसे बनेंगे तो आपने फिर गारंटी वाले पैसे दे देने, और अगर गारंटी से ज्यादा बन गए, मसलन इस सवाल में अगर एक्चुअल वीकली वेजेस 8000 होती तो फिर हमने 8000 ही देना था। कॉन्सेप्ट वही है कि जो बड़ी रकम होगी वो पे होगी वर्कर को। ये डिफरेंशियल का तो मैंने पहले भी आपको टाइम दिया था स्क्रीनशॉट लेने का, ये डिफरेंशियल पीस वर्क का। और ये स्ट्रेट पीस वर्क। एमसीक्यूज का भी स्क्रीनशॉट कुछ लोगों का रहता है तो मैं उनको दिखा देता हूं। जी, ये लास्ट पेज है, पेज नंबर 11। ये 10, ये पेज नंबर 9,
जी ये पेज एट जी, होप सो कि आपने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज जितना हमने काम किया है इसको आपने रिवाइज करना है। अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो वो जो कैपलान की स्टडी टेक्स्ट है उसमें चैप्टर नंबर 6 बनेगा। आई थिंक 5 था चैप्टर मटेरियल का, तो नेक्स्ट चैप्टर लेबर का है। तो उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ वो बातें पढ़नी है जो मैंने आपको पढ़ाई है, यानी पीस वर्क सिस्टम आप पढ़ सकते हैं, उसमें से ऑर्ली बेस्ड सिस्टम पढ़ सकते हैं। बुक का सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे है, तो मैं आपको एक लॉजिकल वे में लेके चल रहा हूँ कि वर्कर जब हायर होता है वहां से लेके उसको किस किस पैटर्न पे हायर करते हैं, मैं उस वे से लेके चल रहा हूँ। अल्टीमेटली बुक वाली सारी चीजें हम भी कवर करेंगे, लेकिन उसका सीक्वेंस हमसे थोड़ा सा चेंज होगा। तो मैं आपको एक अपने वे से लेके चल रहा हूँ, इसलिए आपने अगर बुक पढ़नी है तो आपने पीस वर्क सिस्टम के तीनों मेथड पढ़ लेने हैं, वो आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे, उसकी इलस्ट्रेशंस भी है वहां पे। इसी तरह आर्ली बेस्ड में आपने सिंपल आर्ली और ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट वाली जो बेसिक इलस्ट्रेशन होगी सिर्फ उतना कर लेना, उसके बाद आगे क्या होगा वो कल से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, क्लास को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।